शो ऑफ करूंगा हर बार और करेंगे, हर बार करूंगा शो ऑफ दिखाने के लिए कि ये मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइज एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला हो रखा है। बिल्कुल ये देखो, धूप बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। और काकू की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि काकू के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और काकू मुझे कह रहे हैं, पापा ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन की पढ़ाई हो रही है। तो गाइज बस मंदिर में पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, अब दुकान जाने की है तैयारी हमारी। नाश्ता करते हैं और चलते हैं दुकान और करते हैं काम, क्योंकि आज ट्यूसडे है, रश काफ़ी होगा दिवाली का। और बहुत ज़्यादा सामान, रंगोली वाले, दिए वाले, मोमबत्ती वाले, उन्होंने सारे सामान अपने लगाने शुरू कर दिए। काफ़ी लोग दुकान के बाहर भी लगा देते हैं, मगर मैं मना नहीं करता यार, किसी को किसी की रोज़ी रोटी होती है, चलो कोई लगाता है तो दो पैसे कमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भैया भी आए थे कल, वो कुशन से लेकर आए थे, हैंडीक्राफ्ट वाले लेकर आए थे। कह रहे भैया मैं कल आपकी शॉप के बाहर दिवाली तक लगा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइड में जगह है। मैंने कहा बैठ जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी छोटे बच्चे आते हैं रंगोली वाले, कोई बेचने आ रहा है, कभी कोई बेचने आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रौनक हो रखी है अष्टम तिलक नगर मार्केट के अंदर। लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और गाइज बस करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, नाश्ता करते हैं और मिलते हैं शॉप पर आपको। शाम का टाइम हो गया और मैं अभी पढ़ रहा हूँ हिंदी, जो मेरी सुबह ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैम ने होमवर्क दिया था, अभी मैं वो कर रहा हूँ। मैम ने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो मैं भी वो कर रहा हूँ और मम्मा कर रही है काम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब पूजा करने लगी थी बस। पूजा कर, मैंने तो पूजा कर लिया भाई साहब, आप करो फटाफट। क्या आतंक मचा रखा है, तो गाइस भोग लगाते ही सबसे पहले यहाँ पर चूहा आ जाता है। सारा वो देखो उधर अंदर सारे खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। अब कोई बात नहीं, अब गणेश महाराज जी तो आएंगे, उनका वाहन तो आएगा। गणेश जी तो गए बेचारे, गणेश जी तो गए, हाँ तो अपने घर चले गए, अब ये भी घूमे जा रहे हैं। हाँ जी, कितनी देर लगेगी आपको? अभी अभी फोन आ गया था यार किसी का, अरे वो दुकान के बाहर कोई लगाने के लिए कह रहा था, कहता भैया कुशन वगैरह साइड में जगह पड़ी हुई लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा। तो मैं कभी मैं शॉप पे आ रहा हूँ, वो आ गया होगा, वो आते हैं ना दिवाली पे लगाने के लिए, बाहर से लोग आते हैं लगाने के लिए। अच्छा, यार अच्छा। अपना अपना सामान लगाने के लिए आते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, तो साइड में अगर कहता बिल्कुल आपके साइड वाला जो शटर खाली पड़ा है वहाँ पर लगवा लेता हूँ, कुशन वगैरह, गद्दे, हैंडीक्राफ्ट का सामान है थोड़ा बहुत। तो आया था पहले पूछने के लिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप लगा दो, दे दो नाश्ता वगैरह दे दो, फिर मैं जाऊँ शॉप पर, ठीक है? डॉली जी फोन आ गया है, मैं फटाफट नाश्ता आप कर लो, फिर मैं नाश्ता का करके मैं निकल रहा हूँ। नाश्ता बना हुआ है ना सारा, भोग भूख सब बना हुआ है, चलो मैं नाश्ता करके जा रहा हूँ, कर लो और मैं निकल रहा हूँ, ठीक है बाय। बच्चे ये सामान बेचने आए हुए हैं, गुब्बारे वगैरह सारी चीज़ें बेच रहे हैं, अब कह रही थी ले लो। और सामने गाइस मंदिर में, ये देखो सामने मंदिर में, यहीं से मैं कटिंग कर रहा हूँ, सामने मंदिर में हो रहा है जागरण, ये देखो मंदिर में चल रहा है जागरण, शाम को मंदिर में है जागरण। नहीं लेना बाबू, नहीं लेना, नहीं लगाना इस बार बाबू, बच्चे बेचारे छोटे छोटे हैं, कह रहे ले लो ले लो, क्योंकि अब दिवाली में मार्केट में यही चहल पहल रहेगी। दुकान के बाहर भाई साहब बैठ गए हैं, ये लेके कुशन कवर लेके, दिवाली दिवाली पे बेचते हो? कह रहे थे जगह है आपके पास, मैं चलो बैठ जाओ यार कोई बात नहीं। ये सारे हैं यहीं, हैंडलूम है, हाथ का काम है सारा, कहाँ रहते हो आप? चंद्र व्यास, सही है, बेचो दिवाली कमाओ दिवाली। बस मैं लंच के लिए आ गया था घर पे, और लंच करते हैं और दुकान के लिए और निकलते हैं। मौसम बहुत अभी भी एकदम पोल्यूशन वाला हो रखा है बाहर बहुत ज़्यादा, और काम कुम करके आ रहे हैं, काम को उठ चले गया है ट्यूशन, क्योंकि मैं लंच के लिए हो गया हूँ लेट थोड़ा सा, दुकान पे काम था। ये प्रभु देव का आने का टाइम हो गया, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लास ले ली थी, कितने बजे तक हुई थी? टू बजे तक हुई थी। अच्छा जी, और क्या कहते हैं, सारी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सारा होमवर्क कर लिया, अब ट्यूशन में पढ़ाई करके आ गए हो? चलो ठीक है, आप करो लंच, लंच करो, लंच करके गया था नहीं किया, करके गया था लंच, चलो ठीक है। बस जा रहे हैं हम शॉप पे, ये पौधे हमारे देखो पूरा पौधे खिले हुए हैं, बालकनी में रखे हुए, इसको भी क्या हुआ? क्या भूल गया? अच्छा दे इधर, दे इधर, दे 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 दे। तो गाइस चाय मैं भूल गया था, ये प्रभु देव आ गए थे हमारे, अब थोड़ा सा जुकाम आपको हो रहा है, स्प्रे डाल दो या दवाई डाल लो, ठीक है? और मेरी बात सुनो यार, क्यों लेज़र लाइट मारता है, लोगों को परेशान करता है, मजा आता है, कोई लड़ाई करेगा? एक डॉगी को मैंने मार था क्यों परेशान करता है यार डॉगी को? जाके ना गाड़ी के अंदर से घुस गया।
नहीं परेशान कर बेटे, किसी को नहीं परेशान कर, कोई तुझे परेशान करता है? बाय। तो गाइस बस दिवाली की रौनक लगी हुई है पूरी मार्केट के अंदर, और यहाँ पर भी ये मंदिर के अंदर जागरण हो रखा है और पेटियाँ। तो गाइस बहुत अच्छी अच्छी ये पोटलियाँ भी रखी हुई है भाई साहब ने यहाँ पर। ये लेडीज पोटलियाँ सारी, ये कितने कितने की है? तो गाइस मेरी शॉप के बाहर बैठे हुए हैं भैया, अगर किसी को चाहिए हो तो आप आ सकते हैं दिवाली पे। ये दिखाना, खोल के दिखाना, ये पूरा कुशन का भाई, ये टेबल टेबल ये सारा साइज यही वाला आएगा। कितने का ये वाला पीस? हाँ ये 300 रुपये का है, बार्गेनिंग भी थोड़ी सी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा सामान हैंडीक्राफ्ट का रखा हुआ है भैया ने, अगर किसी ने आना हो तो शॉप के बाहर आ सकता है मेरी। बिल्कुल भैया शॉप के बाहर ही बैठे हुए एकदम, ठीक है। खुश हुआ मैंने ऐड कर दिया आपकी, आपका सेल हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो गाइस ये देखो कितना सा अच्छा इनका लगाया, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखो ये बहुत प्यारा है, हैंडीक्राफ्ट है सारा, बहुत अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल एकदम ये बना हुआ पूरा दिवाली में बहुत है। वॉल में भी लग जाएगा, दीवार पे भी लग जाएगा, वैसे भी लग जाएगा, टेबल पे भी लग जाएगा ना ये वाला। चलो मैं दिखा देता हूँ, कल लगा लेना आप, ठीक है। तो गाइस ये देख लो ये इतना बड़ा है साइज़, कितना अच्छा लग रहा है ये। ताज़ी ताज़ी गोभी भाई साहब निकाल के लाए हैं पेड़ से बढ़िया से, और मटर 40 रुपये पाव है, 150 160 रुपये किलो। तो गाइस शॉप के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं ये, 40 रुपये पाव। ये गोभी भी बड़ी ताज़ी ताज़ी है, फ्रेश है यार बिल्कुल एकदम सारी गोभी। गोभी क्या रेट है? गोभी 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो गोभी तो सस्ती है यार। इस मंदिर में सामने हो रहा है कीर्तन बिल्कुल, किसने की? गुरुदेव ऑनलाइन क्लास का काम कर रहे हो, सही थी पढ़ाई? सही हो गई है, अब क्या कर रहे हैं, कौन सा काम? इंग्लिश और हिंदी का, हिंदी का कर लिया। अच्छा जी, ये फ्लावर लाया हूँ आपके लिए, ये आपके लिए फ्लावर है गोभी का, ये ताजी ताजी गोभी। शॉप के सामने मटर बेच रहा था, गोभी बेच रहा था, ले ली मटर लाया, मटर बहुत महंगी है बेटा, 150 रुपीज पर के जी है मटर। वो तो मुझे पता, खा लेता तभी तो लाए, ताजे मटर है अच्छे लगेंगे चावल के साथ ना पुलाव में, गोभी मटर पुलाव वाले चावल खाएगा, कल छुट्टी है, मटर पनीर खाएगा, पनीर का भी खर्चा कराएगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, आते हो बोल देता हूँ, जिम से ले आएगा अभी आते हुए। तो भाई राज को उसी के घर ड्रॉप कर दिया उसकी बाइक पे, थैंक यू भाई। हाँ बाकी भाई कल मिलते हैं, कल पेपर है अपना, कल पेपर है भाई, अभी घर जाके, अभी घर जाके पढ़ता हूँ मैं भी पढ़ूंगा भाई। हाँ। चलो गाइस घर जाके मिलते हैं। तो गाइस पनीर और टोफू दोनों ले लिए है, अब चलते हैं घर पे अपना, चलो। तो गाइस आज अपना जिम ना बंद था, वहाँ कुछ रेनोवेशन चल रही थी, तो राज के साथ आया हुआ था। राज भाई कौन से जिम आए थे भाई? भाई जिम तो बढ़िया था, बाकी वर्कआउट की एक दो क्लिप डाल दूंगा उसमें, अब घर जाके मिलते हैं। तो हेलो गाइस, गाइस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, मगर उससे ज़रूरी एक बात करनी है आपसे कि जब हमने लंगर किया था डॉली के बर्थडे पे, तो भी कमेंट्स आए थे, अभी उसके बाद 2-3 बारी और कमेंट्स आ चुके हैं। अब वो लोग कहते हैं कि हम शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करते हैं। हाँ गाइस हम शो ऑफ करते हैं, लंगर के लिए शो ऑफ करना पड़ता है, क्या करें बताओ, शो ऑफ करेंगे ना तभी करके तो बात बनेगी। अगर हमारे शो ऑफ करने से किसी का भला हो रहा है, दुनिया लंगर करती है शो ऑफ के लिए करती है फिर। तो अब कमेंट्स आ रहे थे, आपने अपने उस पे जब बर्थडे पे भी लंगर किया, शो ऑफ किया, आपने डॉली के बर्थडे पे भी लंगर करके शो ऑफ कर रहे हो, एक बात बताओ। और खुद फैमिली मेंबर का वो मैसेज आता है कि आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करो तो अच्छा है, अच्छा लगता है। तो गाइस हमें एक बात बताओ, अगर हम बर्थडे डॉली का बनाएं, केक काटे, सब कुछ करें, बाहर घूमने जाए, हजारों रुपये लगा दें, हमारा भला होगा, ठीक है हम ये कर लेंगे, मगर हमें खुशी इसलिए मिलती है, चलो हम करते हैं, किसी का भला होता है, किसी के मुंह में 2 मिनट के लिए अनाज तो जाता है, एक दिन का, एक टाइम का अनाज जाता है, कोई भी चीज़ जाती है, दुआएं मिलती है ना, वो जो दुआएं मिलती हैं, जो प्रार्थनाएं मिलती हैं, लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, तो गाइज़ वो आप खरीद ही नहीं सकते। जो मर्जी कर लो, जो दुआएं आपको मिलेंगी ना कुछ प्रसाद बांटने के बाद, वो दुआएं आप खरीद ही नहीं सकते। लंगर कर लो तो शो, वैसे कुछ पहन लो तो शो, पता नहीं करना क्या है, तो ये नहीं समझ में। डॉली कई लोग होते हैं, उनका काम यही होता है, 250-300 रुपये का रिचार्ज कराया फ़ोन पे, बस उनको वेलने हैं, करना कुछ नहीं है, लोगों को जज करने का टाइम चाहिए, उनको फटाफट कमेंट्स कर देते हैं जज करने के लिए, आज आप ये कर रहे हो, आज आप वो कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं 100 में से ना 4-5 नज़र बट्टू ऐसे निकल ही आते हैं।
तो गाइज यही नज़र बट्टू होते हैं जो नज़र उतारने के लिए बिना ही बे मतलब के कमेंट्स करते हैं, 250-300 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, वेले बैठे हैं, काम कुछ करना नहीं है, चलो भैया कमेंट्स ही कर दो उठा के। उनको ये नहीं पता होता कि कैसे कमेंट्स करने हैं कैसे नहीं करने हैं। और कितने लोग मतलब कितने कम से कम 250-300 कमेंट्स आए थे, उसमें से कुछ ही कमेंट्स ऐसे आए थे बाकी लोग इतने अच्छे इतना बोलते कि आप लंगर करते हो, आप इतना अच्छा काम करते हो। मतलब हमें अपना जन्मदिन घर पर नहीं बनाना, सीधी सी बात है। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं अपने ऊपर या डॉली के ऊपर 1000 रुपए लगा दूं, हाँ, बाहर चले जाए। बच्चों के ऊपर करना चाहिए, मेन बच्चों का होता बच्चों है, होता है इस उम्र में अपने ऊपर कौन ऐसे करता है। बच्चों का केक काट लिया, चलो रिश्तेदारों को बुला लिया या कुछ कर लिया, वैसे भी हमें एक साल अभी कुछ करना नहीं था, आपको पता ही तो है गाइस, ठीक है ना। आप खुद कहते हो कि एक साल तक कुछ करना नहीं है, कुछ कर लेते तो भी आप इतना कुछ बोलते हो। तो गाइस कुछ नहीं किया, दुकान के बाहर लंगर बांटा है, प्रसाद बांटा है, किसी का भला हुआ है। वो बेचारा रेड़ी वाला जा रहा था, उसका आधे एक घंटे के अंदर ही सारा सामान एक मिनट के अंदर बिक गया, अगले को पैसे मिल गए, कितना खुश होकर गया था और कितनी दुआएं देकर गया था। पूरा दिन घूम के इतना नहीं मिलेगा जितना मेरे को आधे एक घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस एक घंटा भी नहीं लगा था। किसी का घर में अगर दो पैसे चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अगर किसी का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। अगर हमारे शो ऑफ करने से किसी का भला हो रहा है तो गाइस मैं ऐसे शो ऑफ जरूर करूंगा, बिल्कुल मैं शो ऑफ करूंगा और हर बार करूंगा शो ऑफ दिखाने के लिए कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का भला होता है। आप लोग अगर खाना खिलाते हो किसी को तो इसका मतलब तो आप भी शो ऑफ करते होंगे, बस आपका पता ही नहीं चलता, हमारा पता लगता है। हाँ तो गाइस हम वीडियो बनाते हैं, हम ब्लॉग बनाते हैं तो इसे हमारा पता लगेगा ये चीजें। हाँ जी, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी दिखाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे सुनाएंगे और क्या करेंगे। तो हमारे ब्लॉग जो होते हैं वैसे फेक नहीं होते, रियल ब्लॉग होते हैं, रियलिटी वाले ब्लॉग होते हैं। देखते ही हैं हम एक घर के अंदर या बाहर कहीं नॉर्मल जाते हैं वही है। गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, खुशियों के साथ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जरूर जल्दी जल्दी शो ऑफ दोबारा करने का भगवान मौका, बिल्कुल भगवान मौका दे दोबारा शो ऑफ करने का, और मैं इससे भी बड़ा शो ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। एक माइंड में स्कीम आई तो ये मेरे वो करूंगा, इससे भी बड़ा शो ऑफ करूंगा मैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए तैयार रहे कमेंट्स करने के, आप कमेंट्स करने के जो है ना नजर बट्टू लोग कमेंट्स करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, और क्योंकि इससे भी बड़ा शो ऑफ करने वाला हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।